ओपेरिन एंड हॉल्डेन, इनका ओरिजिन ऑफ लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन है? ओपेरिन और हॉल्डेन, ओपेरिन जो कि रसा के थे और हॉल्डेन जो कि इंग्लैंड के थे, इन लोगों ने 1923 में ओरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरी प्रपोज किया और यह थियोरिटिकल ग्राउंड पर इन्होंने आर्गू किया था, कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं किया था। प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशन, जिसको प्रिमिनल अर्थ भी कहेंगे, तो प्रिमिनल अर्थ की कंडीशन जो है उस समय जो आज की कंडीशन है वैसी नहीं थी। तो उस समय की कंडीशन में ये इन्होंने आर्गू किया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो प्रोड्यूस हुए होंगे ओशंस में फ्रॉम सिंपल कंपाउंड्स, और वो सिंपल कंपाउंड्स जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रोड्यूस किए वो ओशंस में ग्रेजुअली अकोमोडेट होते रहे, और ग्रेजुअली अकोमोडेशन से उन्होंने ओशंस में बनाया प्रिमिनल सूप। तो ये प्रिमिनल सूप या प्रिमिटिव सूप या प्राइमोर्डियल सूप, तो इस सूप से लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी, ऐसा इन्होंने थ्योरेटिकली एज्यूम किया था। लेकिन इन्होंने केमिकल बेसिस तो बताई, लेकिन ये नहीं बता पाए कि ट्रांजिशन कैसे हुआ उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो फर्स्ट लाइफ थी, उस फर्स्ट लाइफ का ट्रांजिशन कैसे हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ये नहीं बताया जा सका। और ये एक तरह से केमिकल इवोल्यूशन की यहां से शुरुआत हुई, उसके बारे में जाना जाने लगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड से आप मतलब समझिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है मेनली कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं और फैट्स हैं। ये सब चीजें जो हैं लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल हैं, और ये सेल के अंदर जो हैं सेल को इंडिपेंडेंट फंक्शन करने में हेल्पफुल होती हैं, लेकिन उस समय ये सब चीजें नोन नहीं थीं।